नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मैं एक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। अगर किसी को अपने बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प चाहिए, मेटल स्क्रैप, ई वेस्ट, बैटरी रिसाइकलिंग, इसमें कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए हो तो मेरे पास आ सकता है। मैं पूरा उसको बिजनेस सेटअप करने में उसकी हेल्प करूँगा, खरीदने से लेके बेचने तक और उसका पूरा गाइडेंस करने तक सारा मैं हेल्प करता हूँ। तो मोस्ट वेलकम है, जो भी आना चाहे आ सकते हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इनगोट का क्वालिटी कैसे पता करते हैं कि किस क्वालिटी का माल बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो उसका मैं इसमें तरीका बताऊंगा आपको। स्क्रैप को जब मेल्ट करते हैं, इसमें बहुत टाइप का स्क्रैप इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एलॉय व्हील्स जो आपके सामने है वीडियो पे, यूवीसी केन्स, केबल्स, एक्सट्रूशंस, काफ़ी टाइप का स्क्रैप आता है जो सॉफ्ट का भी होता है, हार्ड भी होता है। उस हिसाब से हम हीटिंग अपनी करते हैं। हीटिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले उसका एक सैंपल लिया जाता है, फिर उस सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। छोटा सा जो सैंपल लिया जाता है उसको पहले रबिंग करके जो उसकी सरफेस होती है उसको बिल्कुल प्लेन कर लिया जाता है। अगर प्लेन नहीं होगा तो उसकी जो सैंपलिंग में जो प्योरिटी है वो सामने नहीं आ पाएगी। इसी वजह से उसको बिल्कुल पहले रबिंग करके उसको प्लेन किया जाता है, फिर उसके बाद सैंपलिंग में प्रोसेस में आगे भेजा जाता है। फिर सैंपल को स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा जाता है, नीचे से एक्सरे रेज आती है, ऊपर से पॉइंट रहता है। जब ये पॉइंट और एक्सरे एक दूसरे के सामने होते हैं और आ जाते हैं तो एक पॉइंट बनता है। उस पॉइंट के जरिए सामने जो डेस्कटॉप है उस पर पूरी प्योरिटी आ जाती है कि किस किस कितना परसेंट क्या है, सिलिकॉन कितना है, एल्युमिनियम कितना है, जिंक कितना है, मैग्नीज कितना है इसमें, ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आपके डेस्कटॉप पर आ जाता है। और ये भी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगता है पूरे प्रोसेस में। और इसी प्रकार जितनी भी हीटिंग होती है हम उसका पूरा सैंपलिंग करके और सैंपलिंग करने के बाद किस प्योरिटी का माल है लैब रिपोर्ट पेपर हमें मिल जाता है। जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं ये अलग अलग इनगोट्स हैं, जिसका 94% है, ये सैंपल है 94% का, और ये वाला सैंपल है 96% का, और ये वाला सैंपल है 97% का। इसी प्रकार से पूरी सैंपलिंग करी जाती है, ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कितनी प्योरिटी का है। हम जो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, हम जो इनगोट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं उसमें अपने ऑर्डर पे देखे ही ये माल खरीदा कि किसी क्लाइंट को अगर इनगोट चाहिए होता है तो हमें वो बताते हैं कि भाई हमें सॉटन माल इस क्वालिटी का चाहिए, जैसे LM6 हो गया, LM8 हो गया, LM20 हो गया, ऐसे करके LM64 तक माल आता है। उसकी सॉफ्टनेस, हार्डनेस सब कुछ देख कर ही उसका माल बनाया जाता है। तो उसी हिसाब से हम ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देखे ही माल आपको हम प्रोवाइड करते हैं। और जितना भी माल चाहिए वो आपको 100 टन, 200 टन, 500 टन हम आपको माल दिलवा देंगे, लेकिन सस्ती गारंटी नहीं होती है, हम क्वालिटी गारंटी लेते हैं। जो मार्केट रेट चल रहा होगा उसी रेट पे हम आपको दिलवाएंगे। 1-2 रुपए जो भी मार्केट रेट होगा, नेगोशिएट जो भी हो जाए बैठ के नेगोशिएट हो जाएगा, फ़ोन पे कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। क्या फ़ोन पे बोले हमें 200 टन चाहिए, 400 टन चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। फ़ोन पे हम कोई भी डील नहीं करते हैं, जो हमारे पास आके बैठते हैं, जो हमसे जुड़ते हैं उन्हीं को हम सिर्फ एंटरटेन करते हैं। फ्री मेंटेनमेंट हम किसी का नहीं करते हैं। सामने से हमें लगता है भाई फ़ायदा है तो हम जुड़ते हैं सामने से। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही काम करें, क्योंकि बिजनेस में फ़ायदा देखा जाता है। अगर हमारे से रिलेशन अच्छा बनता है तो रिलेशनशिप अलग होता है, लेकिन उससे पहले लोग फ़ायदा ही देखते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके ऑर्डर हों, जितना भी इनगोट आपको चाहिए वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्क्रैप में आपका अलॉय व्हील हो गया, एक्सट्रूशन, UBC, CCSR कंडक्टर वायर, केबल स्क्रैप, क्लीन केबल स्क्रैप, इस टाइप का जितना भी स्क्रैप है अगर आपको चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड कर दें। अगर दोस्तों आपको किसी भी टाइप का हमसे डील करना है, माल चाहिए आपको सेल करना है या परचेज करना है, दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कंपनी प्रोफाइल भेजिए, विजिटिंग कार्ड है वो भेजिए, कुछ ना कुछ जरूर भेजिए। हाय हेलो से को मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन है सामने से। अगर आपको जो भी मेरी सर्विस चाहिए उस हिसाब से मुझे आपको ऑटोमेटिक जो मैसेज आते हैं उस मैसेज के हिसाब से आप मुझे अपनी जो आपको सर्विस चाहिए, परचेज करना है, सेल करना है, या आपको कंसल्टेंट चाहिए, उस हिसाब से मुझे आप अपना डिटेल भेज दीजिए, फिर मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, या मुझे आप हम लोग डिस्कशन कर लेंगे व्हाट्सएप पे, फिर अगर कॉल करने लायक काम होगा तो कॉल भी ज़रूर बात करेंगे हम। आयो दोस्तों, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि लैब रिपोर्ट कैसे बनती है और लैब में कोई भी सैंपल कैसे चेक किया जाता है। काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके मुझसे पूछा था और मेल भी करते हैं कि लैब रिपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो बहुत छोटा था और इतना ही प्रोसेस है, उतना ही मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आई थिंक दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए किसी भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पे, बैटरी, ई वेस्ट या फिर इनगोट मैन्युफैक्चरिंग का, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, लास्ट में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।